गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंदिर निर्माण को लेकर एक शब्द नहीं कहा वे इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को एक मत होकर मंदिर मुद्दे पर बोलना चाहिए। कोई मंदिर निर्माण पर सुंदरकांड करा रहा है तो कोई लंका कांड की तरह ढहाने का कार्य कर रहा है। जान न जाए निशाचर माया, काल नेम के ही कारण आया। अब रहे अंत न होए निभाऊं, ये पंक्तियां कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही। नरोत्तम ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में कोई एक मत नहीं है। कांग्रेस की अध्यक्षा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक शब्द नहीं बोला है। वो पार्टी इसका श्रेय कैसे लेना चाह रही है? एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है तो दूसरा सुंदरकांड कर रहा है। कांग्रेस की पूरी पार्टी को राम मंदिर पर एक लाइन होकर कुछ बोलना चाहिए। राम भक्त इतने ना समझ नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति को ना समझ पाए। उन्होंने कहा, बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर था, हमने सौगंध खाई थी कि राम मंदिर वही बनाएंगे, बना रहे हैं। जान न जाहि निशाचर माया, काल नेम के ही कारण आया। उभरहे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। क्या राम भक्तों को इतना ना समझ रहे हैं कि एक तरफ सुंदरकांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढहाने का कांड हो? जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है? एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इसने ना समझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को ना समझ पाए। दोनों कोरों से हाथ नहीं टेकना चाहिए, पूरी पार्टी को एक लाइन होकर कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर तो था, हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, बना रहे आओ। 10 दिन बाद अनलॉक को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि जनता को कोरोना से डरने की नहीं सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, सरकार ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाई फ्री दे रही है, जनता कोशिश करे ये फ्री इलाज की जरूरत ना पड़े। लॉकडाउन अंतकाल के लिए नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन का निश्चित सभी जगह असर हुआ है। मुरैना की बात करें, हम ग्वालियर की बात करें, रसूलगंज की बात करें या भोपाल की बात करें, हम कहा 250 से ऊपर हो गए थे, अब 100 पे आ गए, तो असर तो होता ही है। लेकिन लॉकडाउन अनंत काल तक नहीं रखा जा सकता, इसकी अपनी सीमा है। आर्थिक परेशानियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं, जीविकोपार्जन में गरीब को दिक्कत होती है, इसलिए अनंत काल तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। अनंत काल तक सावधानियां तो रखी जा सकती है। पूर्ववर्ती गाइडलाइन, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, अब जनता के हवाले ही कर दिया है, अब सौंप दिया है जीवन का स्वयं भार तुम्हारे हाथों में। आप सबसे प्रार्थना अनलॉक है, व्यापारियों से प्रार्थना अनलॉक है, लेकिन सावधानियां तो आप ही के हाथ में, सरकार के हाथ में जो है सरकार ने कर दिया। वेंटिलेटर फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, बिस्तर फ्री है, अस्पताल फ्री है, दवा फ्री है, पर इस फ्री तक ना आना पड़े, ये तो आपके हाथ में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।